भारत दो न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा, 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। 80,000 करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मंजूरी, और इस खबर को अखबारों में जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यूएस से 31 MQ-9B ड्रोन लेने और भारत में ही दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मंजूरी दे दी। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि दो न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जाए। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के ऊपर चलती है, लेकिन ये असली स्पीड पकड़ती है पानी के नीचे, क्योंकि ये बनी ही है पानी के नीचे के लिए, यानी कि अंडर वाटर सबमरीन है ये। अंडर वाटर स्पीड है इसकी 24 नॉट, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विच इज प्रीटी फास्ट। सबमरीन को कहा जाता है कि ये अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबमरीन समंदर में छुपी होती है, तो सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि दूसरे लोग उसका कुछ सोच भी नहीं सकते। कि भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक है उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि दो न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है? क्या इस खित्ते को हम आर्म्स रेस की नजर करना चाह रहे हैं? सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है, तो 80,000 करोड़ और 125 करोड़। सिहोनी अल्लाह के चोजन पीपल है, अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, और इनको इख्तियार दिया गया है कि ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें, और इसके लिए इनके पास अपनी रियासत बनाने का इख्तियार है, अखंड भारत का, हिंदू राष्ट्र का। आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं ना। 80,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत के लिए खरीदने हैं। ओके कर दिया, ओके डन, खरीदो। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा असलाह खरीदने वाला मुल्क बन गया है। अगर ये इंडिया, एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी, उन्होंने कहा जी कि हाँ, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है, तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं, और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक इंडिया के पास है INS अरिहंत, ये इंडिया की एक फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये इंडिया के जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये उसके लिए है, उसके अंदर है, और ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है, सेकेंड स्ट्राइक मरीन होती है। भारतीय सेना दुनिया के नंबर 4 पर है, अब सरकार भारतीय सेना की ताकत में और भी इजाफा करने वाली है। मजबूत भारतीय सेना के लिए 80,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का फैसला लिया है। इन हथियारों में 2 परमाणु पनडुब्बी और 31 प्रीडेटर ड्रोन शामिल है। इन हथियारों की कीमत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हथियार कितने घातक हो सकते हैं। 2 परमाणु पनडुब्बी की कीमत 45,000 करोड़ रुपये है, जबकि 31 ड्रोन की कीमत 35,000 करोड़ रुपये है। एक ड्रोन की कीमत 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पड़ रही है। यह हथियार दुश्मनों के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाले हैं। 16 ड्रोन भारतीय नेवी को मिलेंगे और 8 ड्रोन एयरफोर्स को और 8 इंडियन आर्मी को मिलेंगे। भारतीय सेना बहुत ही मजबूत होगी और दुश्मनों को आसमान से ही नज़र रखी जा सकेगी। परमाणु पनडुब्बी से समुंदर से ही परमाणु हमला करने की क्षमता भारत के पास होगी। पाकिस्तान और चीन की चिंता में इजाफा हो जाएगा यह खबर सुनकर। पाकिस्तान कहता है कि भारत हथियार खरीदकर इस खित्ते में अशांति फैलाना चाहता है। अल्लाह के चोजन पीपल है, अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, और इनको इख्तियार दिया गया है कि ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें, और इसके लिए इनके पास अपनी रियासत बनाने का इख्तियार है, अखंड भारत का, हिंदू राष्ट्र का। आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कोई डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि जो कुछ ये मुंह से बोलेंगे आपके साथ झूठ बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो जहर भरा हुआ है मुसलमानों से नफरत का। ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान से मुसलमानों की जड़ें निकालनी है, एक एक मुसलमान को या ज़िबा करना है या उसको शुद्धि करके दोबारा हिंदू बनाना है, और उसके बाद हमने फैलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। आप इनको इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकते।
आपने जब भी इंगेज करना है हिंदू मुशरिकों के साथ तो इनकी इस ज़हनियत को सामने रखना है, इनके इस इरादों को सामने रखना है। और अगर कोई शख्स ये समझता है जैसे पाकिस्तान में ऐसे नापाक और पलीत हुक्मरान गुजरे हैं पीछे जो इनसे 100 साल की दोस्ती करना चाहते थे, 100 ईयर्स ऑफ पीस करना चाहते थे, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाई थी बाजवा ने, इमरान ने, फैज ने और मोहित यूसुफ जैसे कादियानी और हराम खोरों ने, जो पूरी कौम को धोखे में रख के ज़िबा करवाना चाहते थे हिंदू मुशरिकों के हाथों, अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है क्योंकि सबमरीन समंदर में छुपी होती है तो सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि दूसरे लोग उसका कुछ सोच भी नहीं सकते कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें कि वरना फिर उनकी सबमरीन ये अटैक कर देगी। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन है इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इससे 40,000 फुट पे ये उड़ सकता है, 40,000 फीट यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते, गया ऊपर 40,000 फुट, ठीक है। दूसरी चीज है एंड्योरेंस यानी कि 30 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है, 30 आवर्स, 30 घंटे के बाद ही नीचे उतरेगा, 30 घंटे से पहले उतर, एक बार आपने इसमें फ्यूल डाल दिया ये 30 घंटे तक लगातार घूम सकता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें, पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है तो 80,000 करोड़ और 125 करोड़ पाकिस्तान का, ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है तो इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वजीर आजम है वो भीख मांगने आता है, ठीक है, बाकी तो सब भीख मांगने आते हैं। ये पे द अमाउंट टू दीस पीपल, कौन कौन बिक रहा है, कौन बेगैरत बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, इसको मैं क्यों कहूँ, केपीके वाले हैं, अच्छा बलोचिस्तान वाले हैं, बलोचिस्तान वाले बिक रहे हैं, हाँ बिक रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तो नबूद करे, जो भी ये काम करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो, हमारी आर्मी को चाहिए कि उसके खिलाफ इलेक्शन ले, अच्छा। उनको निस्त नबूद करे, खत्म। पाकिस्तान के लोग मांगते क्या है, मुझे बताएं क्या वजह आपके हाथ नहीं मिल रहे। बलूचिस्तान का आवाम ये मांगता है कि आप जाओ, हाँ? बलूचिस्तान के एक कोने से जाओ दूसरे कोने तक, आपको डबल हाईवे रूट नहीं मिलेगा, अच्छा क्या वो हकदार नहीं है, हकदार है, आपको सोना वहाँ से निकल रहे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।